नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस के बारे में, जिसे स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस भी कहते हैं। ये जो ट्रेन है टाटा नगर से धनबाद के लिए चलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस के बारे में, जिसे सुवर्ण रेखा एक्सप्रेस भी कहते हैं। ये जो ट्रेन है टाटा नगर जंक्शन झारखंड से धनबाद जंक्शन झारखंड तक प्रतिदिन ट्रेन है, डेली ट्रेन है। अब ये जो ट्रेन है नए अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 13302 और ये जो ट्रेन है टाटा नगर जंक्शन से रोजाना चलती है। और ये जो ट्रेन है टाटा नगर से धनबाद की जो दूरी है 6 घंटे 40 मिनट में कवर करती है और इसके तकरीबन 10 स्टेशन हैं, 187 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 28 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। ICF कोचेस वाली ट्रेन है, आद्रा जंक्शन और पत्थरडी जंक्शन में इसका रिवर्सल होता है। अगर टिकट किराए के बारे में बात करें तो स्वर्ण एक्सप्रेस में AC चेयर कार, सेकंड सेटिंग और जनरल डिब्बे हैं। तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो टाटा नगर जंक्शन से धनबाद जंक्शन तक का बताऊंगा। सुवर्ण रेखा एक्सप्रेस या सुवर्ण रेखा एक्सप्रेस में एक AC चेयर कार का कोच है, जिसका टाटा नगर से धनबाद जंक्शन तक का टोटल किराया 340 रुपये है, जिसमें 284 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज 16 रुपये है। टोटल किराया 340 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर लें। इसके अलावा एक सेकंड सीटिंग का कोच भी है, जिसमें आपको बैठ के रिजर्वेशन के साथ आपको जाना होता है। टाटा नगर से धनबाद तक का जो सेकंड सीटिंग का किराया है वो है 90 रुपये, जिसमें बेस फेयर है 75 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज है 15 रुपये, टोटल फेयर 90 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल डिब्बों के तकरीबन 5 कोच हैं, 3 कोच इंजन की तरफ हैं, 2 कोच ट्रेन के पीछे की तरफ, जिसका टोटल टिकट किराया लगभग जो है 75 रुपये के करीब बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं टाटा नगर जंक्शन से धनबाद जंक्शन तक कौन कौन से स्टेशन आते हैं और उन स्टेशन पर इस ट्रेन का क्या स्टॉपेज है। सुवर्ण रेखा एक्सप्रेस या स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस का जो है ट्रेन है वो टाटा नगर जंक्शन से रोजाना दोपहर के 3:45 पर 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 6 घंटे 40 मिनट बाद धनबाद जंक्शन में 10:25 पर 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। इसके तकरीबन 10 स्टेशन हैं, 187 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है चांडिल जंक्शन में पहुंचती है शाम के 4:41 पर और 4:43 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 36 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। बड़ा भूम रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है शाम के 5:03 पर पहुँचती है और 5:04 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 57 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है BBM। इसके बाद पुरुलिया जंक्शन पश्चिम बंगाल में शाम के 5:38 पर पहुँचती है और 5:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 88 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है PRR। इसके बाद ये ट्रेन जो है इसके बाद अनारा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जो है शाम के 6:06 पर पहुंचती है और 6:08 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 114 किलोमीटर की दूरी जो है ये टाटा नगर से अनारा पश्चिम बंगाल तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है ANR। इसके बाद आद्रा जंक्शन पश्चिम बंगाल में शाम के 6:45 पर पहुंचती है और 7:05 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 20 मिनट का स्टॉप है, 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 128 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। आद्रा का स्टेशन कोड है ADRA। और इसके बाद ये ट्रेन जो है संतल डी रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है, जो कि पश्चिम बंगाल का ही स्टेशन है। यहाँ पर शाम के 7:33 पर पहुँचती है और 7:34 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 151 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है SNDT। इसके बाद भोजूडी रेलवे स्टेशन भोजूडी जंक्शन झारखंड में शाम के 7:50 के करीब पहुँचती है और 7:50 पर ही वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 157 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। पत्थरडी रेलवे स्टेशन पर रात के 8:35 पर पहुंचती है और 8 बज के
45 मिनट पे वहाँ से रवाना हो जाती है, 10 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है, यहाँ पर भी इसका इंजन रिवर्स होता है। इसके बाद स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस ट्रेन जो है अपने आखिरी स्टेशन धनबाद जंक्शन झारखंड में रात के 10:25 पे पहुँचती है और 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो दूरी है 195 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।